स्टार्ट। सो नो डिस्कशन है ना, डिस्कशन अगली बार करेंगे ठीक है, और पैराग्राफ से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी, तो बताइए पहला क्वेश्चन जो पैराग्राफ है उसमें फंक्शन निकालना है और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रखे होंगे दुनिया भर के। मेक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, लिमिट कांस्टेंट है, सही है, जाओ आगे बढ़ो। मेक सब्स्टिट्यूशन से आगे बढ़ा जाए, इसको कुछ ए मान लो और क्या। तो एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है लॉग स्क्वायर एक्स माइनस ए, और ए जो है वो हो गया वन से लेकर ई एफ ऑफ टी बाई टी डी टी, वन से लेकर ई लॉग स्क्वायर टी माइनस ए अपॉन टी। भाई एफ ऑफ टी की वैल्यू पुट कर दी मैंने, ठीक है, और लॉग टी को जेड डाल दिया। तो ए निकल आएगा मेरे हिसाब से यहां से, लॉग टी को ले, लॉग स्क्वायर टी माइनस ए को ही डाल दो ना यार, है ना। हाँ देख लो तुम, नहीं लॉग टी को ही डालना पड़ेगा। तो वन बाई टी आ जाए, तो ये आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस ए, सो जेड क्यूब बाई थ्री, सो लॉग क्यूब बाई थ्री माइनस ए टी। वन बाई थ्री माइनस ए ई और जीरो माइनस ए, गलत है शायद, एक मिनट कोई गड़बड़ की है क्या, एक मिनट रुकिए। एक मिनट, ये तो अपना एफ ओ पेक्स हो गया है ना, और इस चीज को जो है अपन ने ए बोल दिया, ठीक है। तो भाई ए की जो वैल्यू है वो तो हो गई वन से लेकर ई एफ ओ टी बाई टी, वन बाई सिक्स आ रहा है, सबके वन बाई सिक्स ही आ रहा है, वन से लेकर ई और एफ, एफ जो है लॉग स्क्वायर टी माइनस ए बाई टी, ये होगा है ना, आंसर डी है, देखते हैं मेरे को। तो तुम बोल रहे हो अलग अलग, तो उससे क्या हो रहा है, ठीक है, लॉग स्क्वायर टी बाई टी माइनस ए बाई टी, तो इधर आ जाएगा लॉग क्यूब बाई थ्री माइनस ए लॉग टी। अच्छा वन से लेकर ई, तो वन बाई थ्री माइनस लॉग ई तो वन हो गया, और वन पुट किया तो जीरो ही हो गया, ए की वैल्यू वन बाई सिक्स आ रही है, राइट है ना। अब अपन फंक्शन पे आ जाते हैं, तो ये आ जाएगा लॉग स्क्वायर एक्स माइनस वन बाई सिक्स प्लस वन बाई सिक्स की पावर वन अपॉन एक्स माइनस ई। अरे हाँ भाई आंसर देख लेते हैं, मेरे को भी निकालने, तो मेरे को कौन सा याद है आंसर है, कितने क्वेश्चन करते हैं हम, तो अब तो क्वेश्चन आंसर याद ही नहीं होते। हाँ जी वन की पावर इन्फिनिटी देखिए, सो
log square minus 1 divided by x minus e और limit extending to e और e की पावर में 2 log x और 1 by x और limit extending to e तो 2 by e, e की पावर 2 by e, डेली ऑप्शन ठीक है भाई ओके ठीक है जी आगे बढ़े रेडी नेक्स्ट ठीक है तो फंक्शन आ चुका है लॉग स्क्वायर एक्स माइनस वन बाई सिक्स नहीं ए नहीं फंक्शन एक वीडियो बैक सब्स्टिट्यूशन पे भी बना दो सर ठीक है बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं काफी क्वेश्चन है जनता जेल लेती है ऐसे वीडियो यूट्यूब पे भी है प्रोबेबिलिटी का जो वीडियो है इतना तो जेल लेगी ना सोल्व कर रहे हैं भाई और तो क्या कर रहे हैं वो बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन मैंने इसीलिए बताया बताया मैंने कहा ये होगा तो नहीं और कमेंट सेक्शन में यही आएगा कि इसको एक्सप्लेन करो फिर से अगले वीडियो में इसलिए मैंने कहा हाँ मतलब इसको सोल्व करना बेहतर है हाँ देखो प्रज्ञा धीरे 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 कुछ होना चाहिए बढ़िया आपके वीडियो में इंट्रो मस्त होता है वो तो मेरा वो एडिटर प्रो है मतलब जो वीडियो एडिटिंग करता है ना वो बिल्कुल प्रो है मतलब वो है पता है आजकल पूछता भी नहीं है कि क्या लिखना है या मतलब थंबनेल में क्या करना है किस जगह क्या करना है मैं कर लूंगा सर आप चिंता ही मत करो आप वीडियो रिकॉर्ड करके दे दो मेरे को बस मैं सब कर लूंगा मैं अच्छा और सब कर दूंगा मैं बढ़िया है ठीक है राघव मैं तुमको फोटो जरूर भेजूंगा वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ई कोमा एफ ऑफ ई पर जो है टेंजेंट खींचना है तो एफ ऑफ ई कितना है वन माइनस ई कोमा फाइव बाई सिक्स दिख गया है ना और एफ डैश टू लॉग एक्स बाई एक्स सो टू बाई ई तो टेंजेंट की इक्वेशन आई गई है ना कि वाई माइनस फाइव बाई सिक्स टू बाई ई एक्स माइनस ई ठीक है एफ ऑफ एक्स और x equal to 1 log square x minus 1 by 6 ऐसे ही बना दूं एक बार भाई क्या ही दिक्कत है ना मैं तो ऐसा बना रहा हूं मतलब वो जैसा log का ग्राफ है वैसा थोड़ा बहुत शिफ्टिंग है इसमें बस बाकी ठीक है तो अच्छा ये जो पॉइंट है पहले ये 1 पे 0 होता था है ना अब ये 1 पे 0 नहीं होगा समझ रहे हैं बात को I don't think अब ये 1 पे 0 होगा ये 1 से थोड़ा आगे आ जाएगा है ना ऊपर से आएगा ना ग्राफ तो ऊपर से कैसे आएगा मतलब ऊपर से क्यों आएगा लॉग स्क्वायर है ना उसमें आपने 1 by 6 ऐड किया है ना तो इनफिनिटी पे इनफिनिटी आ रहा है ना और 0 पर जो है माइनस इनफिनिटी ही आ रहा है जीरो पर भी इन्फिनिटी आ रहा है हाँ लॉग स्क्वायर है एक मिनट हमें ये वाला पोर्शन हटाना पड़ेगा मतलब थोड़ा चक्कर पड़ गया है अब लॉग स्क्वायर है ना
पहले तो अपन इसके रूट निकाल लेते हैं, है ना, उससे आइडिया हो जाएगा। लॉग स्क्वायर एक्स माइनस वन बाई सिक्स, लॉग एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन बाई रूट सिक्स, ई की पावर पर वन प्लस माइनस रूट बाई सिक्स, जहां पे ये जीरो हो रहा है। मतलब एक तो स्मूथ कॉर्नर है और ग्राफ को नीचे से लेके जाना है, ये थोड़ा अजीब सा ग्राफ नहीं आएगा, एक स्मूथ कॉर्नर है, इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेंगे भाई, ये देख नेगेटिव तो होगा नहीं, नहीं नेगेटिव तो इसकी वजह से होगा ना थोड़ा सा। देखो सिर्फ लोग, देखो मैंने क्या सोचा, जैसे लोग का ग्राफ होता है ना, तो लोग का ग्राफ ऐसा होता है। अब लोग स्क्वायर एक्स का ग्राफ कैसा होगा कि इसको पलट दो और स्मूथ कॉर्नर दे दो, शार्प कॉर्नर देने की बजाय, और उसमें से माइनस वन बाई सिक्स, तो ग्राफ को थोड़ा सा नीचे ले लो, राइट, है ना, और ये वैल्यू जो है वन पे आ रही, ध्यान रखना, है ना। सो बेसिकली ये पॉइंट है वन कॉमा माइनस वन बाई सिक्स, ठीक है। अब ठीक है, चलिए, तो इसमें अपने को टेंजेंट खींचना है ई कॉमा फाइव बाई सिक्स पर, तो ई तो आगे आ रहा होगा, है ना, और ये लाइन वाई एक्स को, वाई को क्या करना है, जीरो करना है, देख लेना वो पॉइंट कहाँ आ रहा है यार, वो देखना पड़ेगा थोड़ा सा कि इधर आएगा किधर आएगा। मैं एक बार बना देता हूँ ऐसे कुछ, लेट से टेंजेंट कुछ ऐसा आ रहा है, वेयर दिस पॉइंट इज ई कॉमा फाइव बाई सिक्स, ठीक है, और इसमें जो है एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन ये रहा, है ना, एरिया बाउंडेड बाय एफ ऑफ एक्स, ये रहा एफ ऑफ एक्स, ये वाला एरिया निकालना है, एक्स इक्वल टू वन एंड टेंजेंट लाइन, एक बार सोच लिया, ये ही निकालना है, एक्स एक्सिस तो है ही नहीं विजिबल, अच्छा इसको ऐसे कर ले, एफ डैश टेंजेंट लाइन आगे ही आएगी, अपर माइनस लोअर कर लेंगे इसको, भाई ऐसे देखो आप वन से लेकर ई तक इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना, ये डिफिकल्ट आ गया, वन से लेकर ई तक इंटीग्रेट कर देते हैं और अपर माइनस लोअर कर लेते हैं, तो अपर तो लाइन होगी और लोअर कर्व होगी, लोग स्क्वायर एक्स माइनस वन बाई सिक्स, और इधर लाइन डाल दो, लाइन की इक्वेशन वाई इक्वल टू करके, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी टू बाई ई एक्स माइनस ई प्लस फाइव बाई सिक्स, वो लेफ्ट भी तो हो सकता है सर, एक्स के राइट में कट करेगी लाइन, लेफ्ट एरिया भी तो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, एक मिनट, ये वाला एरिया एक मिनट, इसमें टेंजेंट कट कर रहा है इसको, कट कर रहा है तो टेंजेंट तो है ही, क्या कह रहे हो भाई सर, टेंजेंट वन के राइट में कट करेगी, अच्छा देखो वो तो अपने को डाउट था ही, हाँ हाँ ठीक है, वो डाउट तो अपने को शुरू से ही था, वो तो तुक्केबाजी से बनाया था मैंने, है ना, वो पॉइंट देखना था भाई, आप है ना एक छोटा सा इसमें ये कर देना, ये टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट जो है ये यहां से कुछ पास कर रही है बिल्कुल इधर से, है ना, ठीक है,
हाँ तो वो तो फिर ठीक है, अपर माइनस लोअर ही जाएगा फिर भी वो तो, है ना। बट हाँ ये वन से पास, ये वाला पॉइंट निकाल लेंगे अपन। तो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, अब इसमें जो है यार चक्कर पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एरिया नहीं हो गया है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एरिया हो जाएगा क्योंकि फिर। हाँ, वो तो मैं समझ गया भाई, पर नहीं है। फिर आपको ये वाला पॉइंट वन से लेकर ये वाला एक्सप्रेशन बैठ जाएगा उसमें। हाँ कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होगा, क्योंकि अगर ये नीचे भी कट किया ना, देखो इधर से देखना भाई, पॉइंट तो वन ही आएगा इधर इस जगह पर, तो वन से लेकर ई तक लाइन ऊपर ही है और कर्व नीचे ही है। हाँ ठीक है ना, तो फिर वो वन से लेकर ई तक ही होगा इंटीग्रेशन, तो कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, और अपर माइनस लोअर कर देंगे, है ना। अब रही बात इस वाले पोर्शन की, अच्छा ये वन के राइट में ही कट कर रहा है, ये इधर से ही कट करके निकलेगा, नीचे से ही निकलेगा। हाँ जी, लेफ्ट वाला छोटा एरिया भी इंक्लूड करेगा, नहीं करेगा ये, क्योंकि आप एक काम करना कि इस लाइन का, इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए, इस लाइन का जो आपकी टेंजेंट है और ये जो कर्व है, इसको सोल्व कर लेना। एक्चुअल में लाइन पता है, ये बिल्कुल इसके अंदर से ही पास हो रही है, मेरे हिसाब से लाइन और इंक्लाइंड है ऐसे, यू अंदर से पास हो रही है ये, है ना, नीचे से जाएगी, ऊपर से भी नहीं जाएगी। तो तुम्हारी ये जो पॉसिबिलिटी है ना, जो तुम बोल रहे हो इधर वाला एरिया भी आएगा, वो नहीं आएगा, वो इंटरसेक्शन निकालने के बाद समझ आ जाएगा। ठीक है चलिए, टेंजेंट गलत बनाने के नुकसान। आंसर क्या है? आंसर है ई प्लस वन बाई ई माइनस थ्री, ये ई प्लस वन बाई ई माइनस थ्री, इसमें बाई पार्ट्स लगाना इंटीग्रेट करते हुए। इंटरसेक्शन सिर्फ ये देखना है भाई राघव, कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस। एग्जैक्ट है ये, बर्नोलीज है ये। अरे लीनियर दिख रहा है मेरे को तो, वो पता नहीं क्या क्या दिख जाता है। वाई डैश को डिवाइड बाय डीएक्स बोला, वाई डैश से डिवाइड कर दिया। ऐसा आईएफ जो है ई की पावर माइनस फाइव डैश बाई फाइव, है ना, तो वन बाई फाइव ऑफ एक्स आ गया। अरे भाई ठीक है, तो वाई इंटू वन बाई फाइव ऑफ एक्स, नहीं, अरे भाई गड़बड़ 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 भाई, भाई कहाँ से दिख दिया उधर, आज क्या हो रहा है, संडे है, दिमाग ही काम नहीं कर रहा। वाई स्क्वायर से डिवाइड पहले करना पड़ेगा, तो डीवाई बाई डी एक्स माइनस वन बाई वाई फाइव डैश बाई फाइव इज इक्वल टू यू कैन से माइनस वन, राइट, माइनस वन बाई वाई को टी, तो ये आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स प्लस फाइव डैश बाई फाइव इंटू टी इज इक्वल टू माइनस वन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर 5x आ गया,
टी इंटू फाइव ऑफ एक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस फाइव ऑफ एक्स, ये आ रहा है मेरे, ये तो फंसने वाली बात हो रही है। अच्छा एक फाइव ऑफ एक्स से डिवाइड भी तो किया था, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर माइनस एक्स प्लस सी आ गया, तो टी की जगह माइनस वन बाई बाई। अरे हाँ एग्जैक्ट हो गया, ठीक है भाई दिख गया, फिर सब दिख गए, एग्जैक्ट हो रही है सब दिख गए। यहाँ तक ठीक है, यहाँ से एक बार वाई की वैल्यू निकाल लो, पहले कांस्टेंट निकालो, कांस्टेंट का क्या सीन है, कुछ दे रखा है क्या, 5 of 1 0 दे रखा है, कांस्टेंट वन आ रहे हैं, ठीक है तो एक्स माइनस वन तो वाई आ रहा है, एक्स माइनस वन 5 of x upon x minus 1, और अगर वाई ऑफ टू पूछा तो वाई ऑफ टू दे ही रखा होगा, सही है, तो 4 upon 4 फोर ही आ रहा भी, तो चलिए तो ये लिख लेना, ये लिखा रहने देना बस, अब इसमें आगे आ जाते हैं। तो अपने पास ये आ चुका है ना कि वाई जो है वो है फाई ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस, ठीक है तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू वाई ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, कोई गंदी कैलकुलेशन करो तो सही रही तुम। फाइ ऊपर है ना, तो फाइ अपॉन वाई कितना है, एक्स माइनस वन, ये एक्स माइनस वन है उसका होल स्क्वायर, और ये भी एक्स माइनस वन है, तो इंटीग्रेशन क्या लिखा हुआ है, 1 से लेके 2 एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर, और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, डीएक्स हो जाना चाहिए भाई, ज्यादा टफ नहीं दिख रहा है। अच्छा इसको जो है 2x² - 2x+1, ठीक है एक्स स्क्वायर कोई बाहर निकाल दे, कुटर कुटर ही जाएगा, एक्स क्यूब आ गया बाहर, सो 1 upon x² और 1 upon x³, और एक्स स्क्वायर बाहर लिया तो ऐसा, और 2 - 2x+1x² को टी हो गया ना, फिर तो दिखने में ऐसा है, हाँ जी आगे बढ़े हैं, रेडी कर लोगे अब तो, ये आंसर आएगा √5/2 - 1, बी आएगा, ठीक है
फाई ऑफ एक्स बाई वाई ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स है, उसके ऊपर कमेंट करना है। और आई थिंक ये अपन पीछे देख चुके हैं, फाई अपॉन वाई इज एक्स माइनस टू। चलो बताइए। भाई इट इज डिक्रीजिंग, गलत बात, क्योंकि इंक्रीजिंग है। एरिया बाउंडेड बाय जी ऑफ एक्स यानी कि एक्स माइनस वन ये, एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस ये वाला, ये तो 1,0 है, ये 0,1 है, और ये 0,0 है, ये तो हाफ आएगा, तो ये भी गलत है। इट इज मिनिमा बट नॉट मैक्सिमा, कोई मिनिमा मैक्सिमा नहीं है इसका। मोड इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, यस, क्योंकि मोड में शार्प कॉर्नर प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, रेडी। चलिए जी, अगला सवाल। ईमानदारी से अगर किसी ने सारे आईआरपी अटेंड किए हैं और होमवर्क वगैरह किया है बुक से, तो अब तो कैलकुलस में गजब का ही कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। मतलब जो लोग कर रहे हैं उनसे ही बात कर रहा हूँ मैं, मतलब सारे सेशन अटेंड किए हैं प्रॉपरली, ठीक ठाक, सिंसियरली होमवर्क भी किया है, कॉन्फिडेंस तो आ रहा होगा। ऐसी बात नहीं कि अब आने दो कुछ भी क्वेश्चन, मैक्सिमा मिनिमा ग्राफ इंटीग्रेशन सब कर लेंगे, ठीक है। सही है, सही। एओडी में थोड़ा डर लग रहा है, बोर्ड के टाइम होमवर्क नहीं कर पाए, ठीक है, कोई बात नहीं, वो ठीक है। इस फ्लो को कैसे कंटिन्यू रखेंगे, इस फ्लो को कैसे कंटिन्यू रखेंगे, भाई आगे टॉपिक भी तो चलता रहेगा ना, छूट जाता है, भूल जाते हैं। टेस्ट पेपर बना, टेस्ट पेपर से ही ठीक है वैसे तो, है ना, टेस्ट पेपर से ठीक है, टेस्ट पेपर देते रहे ना। अभी तो देखो, अभी इसके बाद क्या मेंस की पेपर सॉल्विंग क्लासेस करेंगे ना, कैलकुलस उसमें भी आएगा, फ्लो में तो रहेगा ही। फिर आप पेपर दे दोगे है ना, और फिर अपन जब आगे शुरू करेंगे तब थोड़ा सा गैप आएगा, पर वो मेंस की जो पेपर सॉल्विंग क्लासेस है आई डोंट थिंक उससे जो है वो फ्लो टूटेगा, ठीक है। तो एक एक पेपर करते रहेंगे, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं, और जब ऐसा कुछ लगेगा ना, ठीक है, कि अब थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, तो कुछ और तोड़ निकाल लेंगे उस टाइम। मैंने कुछ नहीं किया सर, नो कॉन्फिडेंस। कौन है ये, विट्टल? क्यों भाई महारथी, तुम 4-4 बजे उठ तो रहे थे 2-3 दिन पहले, हैं? और मैंने कुछ नहीं किया, ये बात कैसे हो सकती है, हैं? तुम होमवर्क तो बराबर कर रहे थे शुरुआत में, तो बढ़िया से। क्या हो गया? अच्छा ड्रामा कर रहा है, ओके। तो भी शुरू करें। तीन फंक्शन है, एफ जी एच, एफ ये दे रखा है, जी जो है एफ डैश बाई 6 है, एच जो है, अच्छा एच डबल डैश वापस ये है, एच का मिनिमा है यहाँ पर, ट्रू सेट ऑफ वैल्यू ऑफ ए फॉर विच इट हैज नेगेटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा। अरे बाप रे, अथर्व ठीक है, 80% 70% होमवर्क हो रखा तो भी चलेगा, नेगेटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा, एफ डैश निकालते हैं एक बार, है ना।
एफ डैश जो है वो 6x2 6 1 माइनस 3 a बाई 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए, ये आ गया एफ डैश, ऐसे ही कुछ आ रहा है भाई। अब तुम ये सोच के देखो कि क्यूबिक है ना, देखो क्यूबिक ऐसा होता है, तो तुम चाह रहे ये मिनिमा है, तो तुम चाह रहे हो कि ये नेगेटिव पॉइंट हो, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, तो मैक्सिमा का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो फिर पक्का पक्का नेगेटिव ही होगा, वो तो कंफर्म हो गया फॉर श्योर, क्योंकि मिनिमा तो आगे आ रहा है वो नेगेटिव है, तो मैक्सिमा तो नेगेटिव होगा ही, ठीक है। सो द थिंग इज कि डेरिवेटिव जीरो वाले दोनों ही पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो अगर मैं एफ डैश इक्वल टू जीरो अप्लाई करता हूं और इसके दो रूट बोलता हूं अल्फा और बीटा, तो अल्फा भी नेगेटिव है और बीटा भी नेगेटिव है, यहां से घुस जाओ लोकेशन में कि ये जीरो है और जीरो से पीछे है दोनों रूट, एक तो चाहिए डी ग्रेटर देन जीरो, एक चाहिए माइनस बी बाई टू ए लेस देन जीरो, और एक चाहिए एफ ऑफ जीरो ग्रेटर देन जीरो, इन तीनों के इंटरसेक्शन लेने, ठीक है। चलो करो, ऐसे क्वाड्रेटिक रिवाइज हो जाएगा, लोकेशन ही होता है मेन। नेक्स्ट क्लास में पीएनसी और बाइनोमियल का रिवीजन करवाओगे क्या? 4 जून को यूजी डबल ई का एग्जाम है। अरे यार क्या रिवीजन रिवीजन भाई, थोड़ा पढ़ लो ना तुम भी यार, है ना, मतलब वो बीच में टॉपिक ऐसे मत लेके आओ, समझे बात को जेद भाई। अब है ना थोड़ा मेंस का शुरू करना पड़ेगा यार, पेपर सोल्विंग रिवीजन करने बैठ गए, जैसे तुम पीएनसी बाइनोमियल बोल रहे हो है ना, तो कोई और भी बोलेगा कि सर एक काम करो आप क्वाड्रेटिक भी रिवाइज करवा दो, है ना, फिर कॉम्प्लेक्स करवा ही दो सर, वो दिक्कत हो जाती है ना, फिर एक ही बात मानो दूसरे की नहीं मानो, तो सो बोला अरे सर मेरी बात नहीं मान रहे, क्योंकि देखो रिवीजन ही करना है ना, तो यार मैथ्स में रिवीजन मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं होता है, नोट्स खोले सारे फॉर्मूले पढ़ लिए है ना, वही रिवीजन है यार, मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा टाइम लगता है उसमें, जैसे केमिस्ट्री में बहुत टाइम लगता है रिवीजन करने में, यूजी डबल ई के क्या करें, एक साल के ही कर लो तुम तो, 2020 का पेपर ही कर लो, बहुत है प्रक्रिया, काफी वो बढ़िया है। तीनों के इंटरसेक्शन निकाल के रखो फटाफट।
क्या भाई सब ठीक है? अच्छी कैलकुलेशन नहीं जा रही है ना। डी ग्रेटर देन जीरो से क्या आया? ए बिलोंग्स टू आर आ गया, और वो होल स्क्वायर बन रहा होगा शायद, और टू पे वो जीरो हो रहा होगा। टू हटा देना, जीरो नहीं चाहिए। ठीक है, माइनस बी बाई टू ए लेस देन जीरो करने से क्या आया? माइनस बी बाई टू ए सम ए लेस देन टू बाई थ्री आया, और एफ ऑफ जीरो ग्रेटर देन जीरो करने से माइनस इंफिनिटी से जीरो और वन से इंफिनिटी, और इन सब का इंटरसेक्शन लोगे ना तो टू बाई थ्री से कम ये तो नहीं आएगा, और आर है टू बाई थ्री से कम तो माइनस इनफाइनाइट से जीरो आ जाएगा। ए ऑप्शन। भाई आगे बढ़े। ठीक है, वेट। तो अगला क्वेश्चन है, द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच वर्टेक्स हैज नेगेटिव कोऑर्डिनेट। क्या हो गया आकृति? नेगेटिव कोऑर्डिनेट है ना वर्टेक्स का, किसके वर्टेक्स का? जी ऑफ एक्स के। तो वो क्या है? सबसे पहले जी ऑफ एक्स निकालेंगे, तो जी ऑफ एक्स है। इसका दूसरा मेथड भी है क्या? नहीं, लोकेशन ही ठीक रहेगा, है ना? फिर लोग ग्राफ भी बनाते हैं, अपन उतना डिटेल में नहीं जाते हैं। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस थ्री ए बाई टू इंटू एक्स, है ना, प्लस थ्री ए स्क्वायर प्लस ए डिवाइडेड बाय सिक्स। तो छह का तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्यों भाई? छह तो डिवाइड करना ठीक है। तो आई थिंक माइनस बी बाई टू है नेगेटिव होना चाहिए, और माइनस डी बाई फोर है नेगेटिव होना चाहिए। कर रहा हूं फटाफट। ए स्क्वायर माइनस ए है एफ डैश, ये कहाँ? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए है ना भाई सत्यम, ये इसकी बात कर रहे हो क्या? ये ए स्क्वायर माइनस ए है क्या भाई? लिखने में गलती हुई, माइनस ए। यहां पर भी गलती थी क्या? वन से इनफाइनाइट, ठीक।
मेरे हिसाब से इससे आंसर आ रहा होगा, देखना एक बार। माइनस डी बाई फोर है, बेसिकली डी ग्रेटर देन जीरो ही हो गया है तो, और डी ग्रेटर देन जीरो ही हो गया तो डी ग्रेटर देन जीरो का आंसर पहले निकाल रखा है, कैलकुलेशन करनी नहीं है पता है तुमको। डी ग्रेटर देन जीरो का आंसर पहले निकाल रखा है कि ए बिलोंग्स टू आर माइनस टू, है ना, वर्टेक्स नीचे आ गया ना बस। और इसमें क्या आ रहा था, माइनस बी बाई टू है लेस देन जीरो में, इसमें आ रहा था बी ए लेस देन टू बाई थ्री, है ना, ए लेस देन टू बाई थ्री। अरे ऐसा आंसर तो कोई है ही नहीं, है ना, इंटरसेक्शन भाई कोऑर्डिनेट में दोनों आता है ना, कोऑर्डिनेट में दोनों आता है। इन्होंने आंसर दे रखा है सी भाई, है ना। क्वेश्चन में फिर ये है करेक्शन, नेगेटिव कोऑर्डिनेट नहीं है, नेगेटिव कोऑर्डिनेट नहीं है, नेगेटिव ऑर्डिनेट है वो, है ना, नेगेटिव ऑर्डिनेट है वो, क्योंकि आंसर उसी से बना रखा है इन्होंने पूरा, आर माइनस आर ऑर्डिनेट की बात कर रखी है। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट में दोनों होते हैं एक्चुअली, एफसीसी और ऑर्डिनेट दोनों आते हैं, तो ये चीज नहीं है, आप ये समझे कि सिर्फ ऑर्डिनेट का है ना, ठीक है। चलिए भी आगे बढ़े, रेडी। थर्ड क्वेश्चन, एरिया बाउंडेड बाय एच, एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू टू, तो एच को निकालना ही पड़ेगा, तो चलो इंटीग्रेट करने फटाफट। एच डैश क्या बात है, मैंने निकाल के रखा होगा, शाबाश। 3x² - 4x + c और h x³ - 2x² + cx + d, पहले इस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे, मिनिमा आ रहा है कहां पर, 1 पे, तो h डैश ऑफ 1 0 होना चाहिए, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और फिर h ऑफ 1 जो है कितना है, 5, इसे तुम्हारा डी आ जाएगा, है ना, तो वन वन और वन टू, टू माइनस टू, पांच ही आ रहा है डी भी, तो जो एच ऑफ एक्स है आ गया, बढ़िया सा है ना। क्यूबिक का ग्राफ डेरिवेटिव कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, एक तो वन पे हो रहा है, क्यूबिक का ग्राफ बना लोगे क्या फटाफट, एच डैश ये रहा ना, क्या था, 3x² - 4x + 1, एक तो एक्स इक्वल टू वन है, एक 1/3 है, ठीक है, भाई देख रहे हैं ना, वो रूट देखने पड़ेंगे, आ रहे कि नहीं आ रहे, वन पे वैल्यू निकाल के देख लेना, क्योंकि वन पे वैल्यू तो मेरे को क्लियर है कि वन पे वैल्यू तो 5 आ रही, तो ऊपर ही रहेगा, और ये तो मैक्सिमा है तो और ऊपर जाएगा, ऐसे मैंने देख लिया, समझे क्या भाई, वन पे वैल्यू 5 है तो पॉजिटिव में रखना है, और 1/3 पे तो और वैल्यू ज्यादा आएगी, तो वो ऊपर ही रहेगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू टू, तो एक्स इक्वल टू जीरो दिए रहा और x इक्वल टू टू आगे आएगा, ये वाला एरिया निकालना, ठीक है, आई थिंक डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लेंगे और आगे बढ़ रहे हैं, अभी इंटीग्रेशन पे ध्यान नहीं दे रहे। ये ग्राफ बनाना इसलिए जरूरी था, ग्राफ से समझ में आ गया कि फंक्शन हमेशा ही पॉजिटिव, ठीक है।
आंसर क्या आया किसका, इसका 32/3, और पिछले वाले का आर माइनस 32/3। ठीक है भाई आगे बढ़े, रेडी? एक मिनट, दो पैराग्राफ हो रहे, तीन, दो, एक, हाँ एक दो पैराग्राफ हो रहे, ठीक है चलिए। ग्राफ नहीं बनाते और जीरो से टू डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते तो भी आ जाता, क्योंकि ग्राफ नेगेटिव में नहीं है, अगर होगा तो भी अपन जानवी। दिक्कत कब होती, जब ग्राफ आधा अधूरा होता, सोचो कि ग्राफ ऐसा हो जाता और टू यहाँ पर आ जाता तो दिक्कत हो जाती, ये तो पॉजिटिव में जाता पर ये नेगेटिव में जाता, इसलिए इस पे ब्रेक करना पड़ता। इसलिए ग्राफ से आइडिया लेना बहुत जरूरी है कि वो हमेशा पॉजिटिव में है या हमेशा नेगेटिव में। कैसे, क्या कर रहे हो भाई? बाई क्वाड्रेटिक को क्या मान रहे हो, एक्स फोर करके मान ले है ना, पी ऑफ माइनस एक्स, तो एक्स की पावर फोर माइनस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस ई डिवाइडेड बाई 2x³ की पावर 1/x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, कितना आ रहा है 1/e³। तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि सर अगर एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे तो एक तो सर सी डी और ई जीरो होने चाहिए, बाकी आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा बेस पे, फिर तो आपका आंसर बन ही नहीं पाएगा। और सर ये सेम पावर जो है ना ये बी की वैल्यू दे देगा आपको -2, और बाकी आप अब 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फंडा लगा ले, ठीक है? तो ये है ax² माइनस bx³ राइट डिवाइड बाय 2x³, और b की वैल्यू भी पता ही है, तो 2x³ बेस -1 इनटू पावर वो होना चाहिए -3, समझ गए है ना, और इधर उधर कर दो इसको, तो ax⁴ डिवाइड बाय 2x⁴ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पर आना चाहिए -3, तो ए की वैल्यू आएगी -6, सो योर पी ऑफ एक्स इज -6x⁴ और बी की वैल्यू -2 थी ना, सो -2x³ पी ऑफ एक्स, ये था ध्यान रखना। प्लस नहीं आएगा, ये पी ऑफ माइनस एक्स लिखा हुआ है प्रभात, ये पी ऑफ माइनस एक्स लिखा हुआ है, पी ऑफ एक्स तो ये था ना। कितना आ रहा, -8, आगे बढ़े, रेडी? चलिए नेक्स्ट। मेरे को अभी मैसेज दिखा कि आज क्लास है, अरे यार कल रात को ही कर दिया था ना भाई कि आज क्लास रख लेते हैं, क्या करते हो? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स ये रहा -6 और -2, और लिखा था अच्छा
उसमें स्टार मार्क करके टुडे भी लिखा था। दिमाग खराब हो रहा है, कौन है टुमार वाला? हम टुमारो पढ़ते ही सो गए थे। अरे बड़ी गहरी नींद आती है तुमको, है? बहुत ज्यादा गहरी नींद नहीं आती तुमको? हाँ, 1 सेकंड में सो गई हूँ। मनन, तुम तो जब छोटे थे तो तुमको ऐसे टीचर पकड़ के मारते नहीं थे क्या, बड़े डंडे से? यूं बहुत मारते थे ना, उल्टा लटका के ऐसे पीटते होंगे तुमको तो। बड़ी जीबान जल्दी तुम्हारी। हाँ, हम तो सो गए थे। आप देख लो आपके हिसाब से। हाँ, योर स्क्रीन टाइम वॉज डाउन 8% लास्ट वीक। अच्छा, क्या करें, स्क्रीन टाइम बढ़ा है। और एवरेज कितना है? ओ बाप रे, बहुत स्क्रीन टाइम है। वेब सीरीज देख लो कोई, नहीं स्क्रीन टाइम बढ़ जाएगा। 6 घंटे का स्क्रीन टाइम है एवरेज, 6 घंटे का स्क्रीन टाइम है तो 1.5 घंटे की तो क्लास ही होती है। फिर इसका मतलब मैं 4.5 घंटे फोन चलाता हूँ। अरे यूट्यूब के चक्कर में हो रहा है सब। सही है, आंसर इज सी। आप बड़े अलग दिखते हो यूट्यूब सेशन, यूट्यूब पर। अपना कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, ठीक है। YouTube सेशन में तुमको इसलिए अलग लगता होगा कि तुम वो मेरे से ऑफलाइन पढ़े हुए नहीं हो, इसलिए तुमको क्या है कि ऐसे बैठ के ही पढ़ाया ना, तो तुमको वो टीचर का जो, जैसे वो एक तरीके से जो बॉडी लैंग्वेज है वो तुमको पता नहीं होती कि कैसे वो क्लास में पढ़ाते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में रोमांटिक म्यूजिक क्यों होता है? अरे रोमांटिक म्यूजिक हटा देंगे भाई, हटा देंगे ना। मैं अपने एडिटिंग वाले बोलूं भाई रोमांटिक म्यूजिक मत डालो, ठीक है? आप 11th के मासूम बच्चों को मारते तो नहीं हो? नहीं, सर मुझे एक्स और माइनस एक्स नहीं समझा। अरे देखो इधर सुनो भाई, इधर देखो, बात तो पी ऑफ एक्स की हो रही है पर कैलकुलेशन जो है पी ऑफ माइनस एक्स की करा रहे हैं। तो ऐसा है कि मैंने एक स्टेप मिस कर दी और मैं क्षमा चाहता हूं कि लेट्स अज्यूम योर पी ऑफ एक्स इज दिस, ये मेरा पी ऑफ एक्स है, इस पे कैलकुलेशन चल रही है, पर मेरे को तो पी ऑफ माइनस एक्स पूछा है तो मैंने डायरेक्टली पी ऑफ माइनस एक्स लिख दिया। मेरे को लगा बच्चे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, समझ जाएंगे, ठीक है ना? क्यों भाई प्रभात, है जानवी, सब तो बढ़िया है ना? ठीक है, क्या है? आज थोड़ी तबीयत खराब है। अच्छा, ध्यान रखो। चलिए भाई। हाँ, अरे हाँ, ये क्या चल रहा है? ये मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहे हैं, डैश निकालो, डैश निकालो। तो भाई -24x³ - 6x² - 6x² बाहर, 4x+1 आ रहा है, तो -1/4 पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है, पर नेगेटिव और पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है भाई, है ना? तो अच्छा, तो एक तो इंक्रीज करेगा माइनस इंफिनिटी से 1/4 में और डिक्रीज करेगा इसमें, ये ठीक लग रहा है। समझ गए? अच्छा नहीं, ये ठीक कहाँ लग रहा है? अरे बाप रे, कैसा आंखों को धोखा दिया है, 1/4 यहाँ पर। अरे बाप रे, क्या खराब जमाना है? नहीं गलत है, डिक्रीज इन माइनस गलत है ये भी। इट हैज मिनिमा, पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि इंक्रीज होके डिक्रीज हुआ, मैक्सिमा आएगा, मैक्सिमा आएगा बट नो मिनिमा। यस, बी ऑप्शन करेक्ट है। अरे आंखों को धोखा दे दिया इन्होंने, -1/4 और 1/4 में, देखा कैसे नालायक लोग है। ठीक है भाई, चलिए।
हाँ शशांक, वही सिखाना था उस क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी वाला। हाँ जी आगे बढ़े हैं, रेडी। चलिए, एरिया बाउंडेड बाय पी एक्स एक्सिस इन सेकंड क्वाड्रेंट। एक्सप्रेशन लिख के छोड़ सकते हो, इतनी फ्रीडम है, ग्राफ बना के एक्सप्रेशन लिख के छोड़ दो। ग्राफ फंक्शन क्या है, -6 -2 है, ये है फंक्शन। लिमिट्स वगैरह डाल के कि सर ये एरिया है बस, ये लोग आपसे पर्सनल बात क्यों कर रहे हैं, पर्सनल बात करते हैं भाई क्या करें। लास्ट क्वेश्चन में डी ऑप्शन रॉन्ग क्यों है, क्योंकि बी ऑप्शन सही है और सिंगल करेक्ट है। ठीक है, अरे बाप रे, वन -1/3 से 0 में इंटीग्रेशन है क्या, देख लेते हैं। चलो तो -2x³ कॉमन लिया तो 3x+1 बच रहा है, इसके रूट दिख गए क्या, 0 और -1/3, और मैक्सिमा आ रहा था अपने को पीछे पता पड़ गया था कि यहाँ पे मैक्सिमम आएगा, कहाँ पे आएगा, -1/4 पे आएगा, इधर कहीं मैक्सिमम बना देते हैं ऐसे। ये तुम्हारा वो मैक्सिमम वाला पॉइंट हो गया और ये रूट हो गया और ये 0 0 सेकंड क्वाड्रेंट में एरिया ही आएगा, तो एरिया क्या आ जाएगा, -1/3 से लेके 0 और ये कर लेंगे। ठीक है आगे बढ़े, रेडी। चलिए जी, आंसर क्या है, क्या बात है, आज तो मतलब पूरा आंसर चाहिए तुमको है। आंसर है 1/8 10, कहाँ है ये वाला। चलिए, आई थिंक ये f(x+y) 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 यस, आखिरी पैराग्राफ है, एंड वी आर डन विद एरिया अंडर कर्व। ठीक है, आपके कल ऑफ रख लेंगे है ना, और परसों भी, क्योंकि अब एक छुट्टी अपन ने गेन कर ली है ना, तो 2 दिन का ब्रेक ले ले और फिर जो है पेपर सॉल्विंग चालू करते हैं। ठीक है, कंप्लीट पेपर, कल परसों तरसों ऑफ मत रखना। अरे एक मिनट एक मिनट, कल परसों तरसों ऑफ मत रखना, क्या क्या चल रहा है, एक मिनट। किसने क्या बोला, अभी एक मैसेज पढ़ने में आया था मेरे को, कल परसों तरसों ऑफ रखना पड़ेगा क्योंकि 2 जून को पेपर है। ये भगवान, फिजिकल एजुकेशन का पेपर है 2 जून को, पेपर का भी बताओ, 2 जून को, 2 जून और 1 जून, 29 30। इसके बाद 31 भी है क्या इस महीने में, अरे बाप रे, नहीं, नहीं, इतना नहीं हो पाएगा। चलो सुनो, है ना, ऐसा है कि 2 छुट्टी तो है ही है, चलो ठीक है ना, एक और 2 की तो है ही है ना, वो तो आपके पेपर है, पढ़ो आप। अरे फिजिकल को भी सीरियसली लेना है, सुनो,
इतनी दुर्गति होती है ना फिजिकल एजुकेशन में कि उसके मार्क्स है ना जिंदगी भर किसी को बता नहीं पाओगे, समझ में आ रही बात। उसमें भी लोगों के 60 60 70 70 नंबर आते हैं आउट ऑफ 100, ठीक है ना। तो उसको भी ढंग से पढ़ना है। तो एक और दो को ले लो छुट्टी आप, है ना, और आप संडे को आए हो तो 31 की छुट्टी आप ले लेना, 30 को कल पढ़ेंगे, कल एरिया अंडर कर्व का सारा डिस्कशन, ठीक है, और जितने क्वेश्चन बाकी है ब्लैक बुक के पूरे डिस्कशन और जितने भी क्वेश्चन बाकी वो सारे करवाऊंगा मैं, ठीक है। और फिर जो है 31 1 और 2 आप जो है फ्री रहे, है ना। इस दौरान जो है जिनके पेपर नहीं है, है ना, वो भी सुन लो, ये यहीं से आगे करेंगे फिर, अभी नहीं कर रहे हम, है ना, थोड़ी सी बात कर लेते, एक क्वेश्चन नहीं कर रहे। तो 31 1 और 2 इस दौरान जिनके 12th के पेपर नहीं है, बेसिकली जो बच्चे 13th में हैं, इन 3 दिन का भरपूर फायदा उठाए और पूरा जो अपने मैथ्स के नोट्स है वो रिवाइज कर ले, एक बार निगाह से निकाल ले, सारी नोटबुक है अपने पास, पूरा रिवाइज कर लो, क्योंकि पेपर सॉल्विंग चालू हो रहा है। पूरा रिवाइज का मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टेट्स, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, सब कुछ रिवाइज करना है, समझ रहे हो, क्योंकि अब तो पेपर में एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं अपन। पहले तो फिर भी था कि ये नहीं पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा है, ये छोड़ देते हैं आगे बढ़ जाते हैं, अब तो ऐसा होगा नहीं, समझ गए बात को। पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेना ताकि अपन जब 3 जून को पहले पेपर के लिए मिल रहे हो तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। डन भाई, तो अब अपन मिलेंगे, कल मिल जाते हैं, एरिया अंडर कर्व का पूरा डिस्कशन और ये बचे हुए जो 10 15 सवाल हैं वो करवा के मैं आपको छोड़ दूंगा, फिर आप 3 दिन छुट्टी मनाएं आराम से, ठीक है, और फिर मिलेंगे अपन पेपर में, ठीक है, और होमवर्क वही है, ठीक है। आज फाइनल के लिए क्या प्रिडिक्शन है? फाइनल के लिए प्रिडिक्शन गुजरात, थोड़ा सा मेरे को है ना तुक्के वाली टीम लग रही है यार, पर गुजरात से डर लगता है, क्योंकि उसमें क्या है कि कोई ना कोई रन बना ही देता है आखिरी में आके। सेट्स के नोट्स डाल देना ग्रुप पे, आज पीपीटी में ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे देना, ठीक है। ये क्वेश्चन कल भी करेंगे, कल एक और मौका है ना, ठीक है। हाँ भाई विट्टल पढ़ लिया ना, है नोट्स होंगे तो डाल दूंगा मैं सेट थ्योरी के, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का रेंडम वेरिएबल कहाँ पढ़ाया है? अरे भाई प्रोबेबिलिटी का रेंडम वेरिएबल यार मैं तो भूल ही गया, है ना, कहीं पढ़ाया है ना। एक बात कर लो आपस में यार, है ना, जिनको पता है कहीं ना कहीं पढ़ाया है मैंने, है ना, ठीक है, चलिए भाई डन, है ना, कल मिलते हैं।